तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है लास्ट डेट। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है तो आज हम इसको डील करेंगे, इसके बाद राइबोसोम को करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड की कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास टोटल कितने किंगडम है? पांच किंगडम है, बहुत बार हमने बात की है। मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा है, फंजाए है, प्लांटे हैं, एनिमिलिया है। तो हमारे पास ये जो प्लांटे किंगडम है, प्लांटे किंगडम में भी कुछ हमारे पास सब डिविजन होती है, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट के जितने भी मेंबर है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में ही प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या देखा गया है, हमारे पास जो एक किंगडम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के कुछ कुछ मेंबर हैं जिसे हम कहते हैं यूग्लिनॉइड्स, उनमें भी हमें ये प्लास्टिड देखने को मिला है। प्लांटे में तो सब में ही है, बट इस इसका ध्यान रखना, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम में का एक मेंबर है यूग्लिनॉइड, उसमें भी प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, बट उनके कुछ मेंबर में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो एनिमल किंगडम है, इसमें टोटली एब्सेंट होता है, प्लास्टिड हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जिसे प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन ऑल प्लांट सेल, जितने भी प्लांट के सेल है वहां पे हर जगह प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा कुछ यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। टोटली कहाँ पर एब्सेंट है, एनिमल सेल में क्या होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं। लेकिन होता क्या है कि साइज तो उनका फिर भी काफी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि हम इनको नेकेड आई से देख पाए। तो इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब एक बार जनरली बात करते हैं कि प्लास्टिड कहाँ कहाँ होते हैं। आपने एक लीफ का कलर ग्रीन देखा होगा, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्लास्टिड। इसके अलावा आपने फ्रूट्स देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, फ्लावर देखे होंगे जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्लास्टिड। आपने बहुत सारे कहते कलरलेस फूड भी देखे होंगे, जैसे हमारे पास अनियन होता है, सॉरी अनियन गार्लिक होता है, ये सारे फ्रूट्स कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। आपने पोटैटो देखा है, इसका जो अंदर वाला मटेरियल होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो ये भी किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के एक्चुअल में बहुत सारे टाइप है जो क्या काम करते हैं, एक प्लांट को, किसी प्लांट को वो कलर प्रोवाइड करते हैं, और किसी मतलब प्लास्टिड के होने की वजह से हमारा प्लांट क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। तो आज हम इसके बारे में ही यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हमने कहा प्लांट के अंदर ग्रीन कलर है, प्लांट के अंदर ये रेड कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है, आपने बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे देखे होंगे, और बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जो क्या है, व्हाइट है, मतलब कलरलेस है। अब ये सारी चीजें इसकी वजह से क्यों, मतलब हमें ये इतने सारे कलर क्यों नजर आ रहे हैं, बिकॉज जो प्लास्टिड होता है ना, वो क्या कंटेन करता है, पिगमेंट कंटेन करता है, और जो पिगमेंट वो कंटेन करता है उसी के बेसिस पे ही क्या होता है, कलर डिसाइड होता है कि जो हमारा लीफ है, हमारा फ्रूट है, या कोई भी वेजिटेबल है, उसका कलर वो ऐसा क्यों है, ड्यू टू द पिगमेंट। बट वो पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट एक बार भी इसकी हम यहाँ पे एक जनरल आइडिया देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो हमने क्या कहा, प्लास्टिड कहाँ पे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो जितने भी प्लांट्स हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, कुछ यूग्लिनॉइड्स में भी होते हैं, बट टोटली एब्सेंट होते हैं इन द एनिमल सेल, एंड इजिली ऑब्जर्व कहाँ पे होते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप किसी भी माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखोगे तो आपको इजिली विजिबल होंगे, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, बट इतना भी लार्ज नहीं है कि आप इनको नेकेड आई से देख सको। इसके अलावा ये क्या बियर करते हैं, सम स्पेसिफिक पिगमेंट कंटेन करते हैं, और इन पिगमेंट की वजह से ही जो आप एक प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते हो ना, ग्रीन देखते हो, येलो देखते हो, और हम रेड देखते हो, सारे कलर किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है वो कौन सा पिगमेंट कंटेन कर रहा है, उसी के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि वहां का कलर क्या होगा। अब बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्लास्टिड, मतलब एक प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, हम प्लास्टिड को टोटल थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले कैटेगरी है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड कैटेगरी आती है क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड कैटेगरी आती है ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन सी थ्री कैटेगरी है, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट,
सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन्हीं को ही डील करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है जो कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये लीफ है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब अगर इस लीफ का हम छोटा सा पोर्शन लेते हैं ना और हम इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद हम इसको कहाँ देखते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब आप इस छोटे से लीफ के सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आएगा। जो यहाँ पे ये वाला है ये भी सेम ही है, बस पिक्चर दोनों अलग अलग है, लेकिन हमें इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नजर आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि सबसे बाहर एक लेयर है जो एकदम सिंगल लेयर है। इस सिंगल लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। अभी एपिडर्मिस अपर वाले एरिया में भी होती है और हमारे पास ये देखिए लोअर सरफेस में भी प्रेजेंट होती है। आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, देखिए हमारे पास एक अपर एपिडर्मिस होती है और एक हमारे पास क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है। मतलब इस अपर एंड लोअर का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास जो लीफ है इसका एक तो ये अपर सरफेस है, और अगर आप इसका बैक सरफेस देखो एक इसका लोअर सरफेस भी होता है जो अभी हमें यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जो अपर वाला सरफेस है वहां पे एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो इसका जो लोअर सरफेस है, इसका जो बैक सरफेस है, वहां पर भी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारा कुछ ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसकी कुछ बात करते हैं। आपको ये बहुत इलोंगेटेड से सेल नजर आ रहे हैं, इलोंगेटेड सेल। इन इलोंगेटेड सेल को हम कहते हैं मेसोफिल सेल। क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। और एक आपको ये स्पॉन्जी टाइप नजर आ रहे हैं गोले गोले से राउंड राउंड, ये भी मेसोफिल सेल ही है। लेकिन हमने इस मेसोफिल सेल को बस एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि जो हमारे पास स्पॉन्ज की तरह राउंड राउंड मेसोफिल सेल है उसको हमने नाम दे दिया स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, और जो ये इलोंगेटेड सी मेसोफिल सेल है इसको हम नाम देते हैं पैलिसेड मेसोफिल, बट है दोनों मेसोफिली। अब जो ये मेसोफिल सेल है आपको यहाँ पे डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, सबके अंदर डॉट डॉट ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ के कौन कौन से पोर्शन हो गया, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे हमारे पास हो गए मेसोफिल सेल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये जो मेसोफिल सेल होता है ना एक्चुअली में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास ये जो मेसोफिल सेल है इनके बीच में राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसे हम कह रहे हैं मेसोफिल सेल, सॉरी इसे कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, मेसोफिल सेल के अंदर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखिए ये हमारे पास ये जो व्हाइट वाले इलोंगेटेड है इनको हम कहते हैं पैलिसेट, पैलिसेट मेसोफिल सेल, और इसे ही पैलिसेट पैरेन्काइमा भी कहते हैं, एक ही बात है। इसके अलावा ये देखिए स्पॉन्ज की तरह राउंड राउंड जो है इसे कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल, एक ही बात है। एक ही जगह लिखा होता है कि मेसोफिल सेल जो है आपका वो डिफरेंशिएट होता है पैलिसेट पैरेन्काइमा में या पैलिसेट मेसोफिल बोलो, एक ही बात है। या हम सेकंड कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल। और ये मेसोफिल सेल क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपको पता है लीफ के अंदर क्या होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा जाइलम क्या करता है, किसी भी प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ की तरफ। ये तो सबको पता है कि जब भी हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो हमेशा उसकी रूट में ही हम क्या करते हैं, पानी को डालते। क्यों, क्योंकि रूट ही काम करती है पानी को अब्सॉर्ब करने का और बाद में उसको स्टेम तक भी पहुंचाती, लीफ तक भी पहुंचाती है। लेकिन लीफ के पास ऐसा कौन सा टिश्यू है जो उस वाटर की कंडक्शन कर रहा है, जाइलम। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम होता है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये जो लोअर सरफेस है लीफ का, यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा या स्टोमा, कुछ भी बोलो आप। और ये क्या काम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का,
मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में जो हम CO2 रिलीज करते हैं, सबको पता है ना CO2 एक्सहेल करते हैं, तो उसको उसको कौन लेता है बाद में, उसको प्लांट ही लेते हैं। प्लांट CO2 को इनटेक करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं, हमने क्या कहा कि हमारे पास लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट, अब आपको एक पिक्चर और दिखाते हैं यहाँ पे आगे, एक मिनट वेट, सॉरी, ओहो, शायद अपलोडिंग में, चलो यहीं पे बता देती हूँ। अब जो हमने वहां पे क्या कहा था कि मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। एक वेट, मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इसी की बात की थी ना कि मेसोफिल सेल के अंदर क्या, क्लोरोप्लास्ट है। अब जब हम उस क्लोरोप्लास्ट को भी बहुत ज्यादा जूम करते हैं ना, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। और हम क्या देखते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारा लीफ होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर हमें ग्रीन नजर आता है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल के अंदर। और मेसोफिल सेल कहाँ होते हैं, लीफ के अंदर। अब इस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है, आपने आप सबने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पक्का पढ़ी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फोटोसिंथेसिस ना पढ़ा हो। हम क्या करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या काम करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, इन द क्लोरोप्लास्ट। और फिर इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, फूड बनाता है। फूड बनाता है, आप कहते हो शुगर बनाता है, मतलब फूड प्रिपेयर करता है, फूड की प्रिपरेशन। इसलिए हम कहते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो किस वजह से बना पाते हैं, ड्यू टू दिस पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब एक बार इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे बाद में, लेकिन जस्ट अभी यहाँ पे ओवर हमें एक व्यू लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा है, एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, देखो क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। इसके अलावा एक पिगमेंट और होता है जिसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। कौन सी लाइट एनर्जी की बात कर रहा है, जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कौन करता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट करता है, जो किसके लिए एसेंशियल होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फूड की प्रिपरेशन के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम ही है किसमें, किस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फूड की प्रिपरेशन करता है। और कैसे करता है, क्योंकि वो जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप करने का काम करता है। तो पहला प्लास्टर तो हमारे पास ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये इस क्लोरोप्लास्ट को हम इसके बाद दोबारा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्लास्टिड होता है उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर। आपने फ्लावर का कलर येलो भी देखा होगा, ब्लू भी देखा होगा, पिंक भी देखा होगा, इसके अलावा पर्पल। तो अभी मैं आपको कह रही थी कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स देखे होंगे, येलो, ब्लू, पिंक, पर्पल, और आपने रेड भी देखा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास जो टोमेटो होता है वो मोस्टली रेड कलर का होता है। तो हम यहाँ पे जो इतने सारे जो फ्रूट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखते हैं, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखते हैं, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही सारे के सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन के अलावा। ग्रीन कलर जो है किसी भी प्लांट में वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। बट उसके अलावा ग्रीन और व्हाइट को छोड़कर जितने भी कलर हमें नजर आते हैं प्लांट के अंदर, चाहे उसकी फ्रूट में, चाहे रूट में।